करनाल पहुंचे ACS राजीव अरोड़ा कल्पना मेडिकल कॉलेज व नागरिक अस्पताल सहित कई वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। वैक्सीन का टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है नहीं, इसको लेकर के बड़े अधिकारी खुद वैक्सीन सेंटर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इस कड़ी में आज ACS राजीव अरोड़ा करनाल पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके बाद नागरिक हॉस्पिटल पहुंचे और जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी सेंटरों पर वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है। करनाल के सभी सेंटरों पर टीकाकरण अभियान ठीक हो रहा है किया गया आज। ये ACS हेल्थ है जी, और उन्होंने चेकिंग की है वैक्सीनेशन सेंटर की हमारे की, और हमारे इंतजाम से हमें लगा के सेटिस्फाइड हैं हमारे इंतजाम। तो जो वैक्सीनेशन का आज अभी चल रहा है, अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, आज 57 लोग रजिस्टर्ड हैं जो बुलाए हैं, उसमें से 24 को लग चुके हैं। तो कुछ जैसे अखबारों खबर छप रही है कि वैक्सीनेशन जो है ना वैक्सीन खराब जा रही है। मतलब नहीं, वैक्सीन कोई भी खराब नहीं जा रही, वैक्सीन का जो स्टोरेज होती है ये, अच्छा उतने ही एक वायल में 10 इंजेक्शन आते हैं, तो जितने लगते हैं उतने ही खोली जाती है। तो वायल तो वायल अगर एक दो इंजेक्शन लग जाता तो बाकी कई फेंकना पड़ता उसको, अगर एक्सपायर हो जाती है। पर खोलते इसी तरह से हैं, जब 3-4 जैसे लास्ट का दिन है, जब 3-4 कथ हो जाए तभी खोलते हैं, फिर उसको जो उस दिन खुली रह जाती है वो डिस्कार्ड हो जाती है, वो अगले दिन यूज नहीं हो जाती। तो क्या कहेंगे आम जनता को? आम जनता को यही कहेंगे, सरकार ने आपके फायदे के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, जो इतना बाहर कॉस्टली इंजेक्शन है पर फिर भी सरकार फ्री लगा रही है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में इंजेक्शन लगवाएं ताकि इस बीमारी से अपने आप को भी बचा सके और अपने परिवार को और अपने समाज को भी बचा। तो अभी फर्स्ट उसमें हेल्थ केयर वर्कर को ही लगाई जा रही है? अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगाई जा रही है।